डोला डोला गाना गाते गाते सारा ऐश्वर्य के अंदर चुड़ैल घूम गई। 3, 2, 1 कैसी लग रही हूँ आंटी? गाइस मैंने आपको इतना 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 मिस किया ना, क्या बताऊं। आई नो कुछ दिनों से वीडियो नहीं गया। क्यों नहीं? बट आपने इतना ज्यादा प्यार दिया, इसलिए आज आपकी मोस्ट 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 रिक्वेस्टेड वीडियो लेके मैं आ गई हूँ। आज मैं जाने वाली हूँ। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। वर्स्ट मेकअप करवाने, वो भी एक विलेज में जो कि मेरे घर से बहुत ज्यादा दूर है। यहाँ से जाने में बहुत टाइम लगने वाला है। पता नहीं, शायद मेकअप कराते कराते शाम भी हो सकता है। अरे कहना क्या चाहते हो? बट मैं आपके लिए जरूर जाऊंगी। एंड आज मैं ऐश्वर्या बनने वाली हूँ गाइस, क्योंकि मुझे ना कभी कभी लगता है कि मैं थोड़ा बहुत ऐश्वर्या राय जैसे दिखती हूँ। दिखती हूँ ना? बताओ बताओ, कमेंट करो। पता है नहीं दिखती हूँ, बट फिर भी हम जाएंगे एंड बोलेंगे कि हमें देवदास का ऐश्वर्या वाला डोलारी लुक करना है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, तो देखते हैं यार कैसा लुक होता है हमारा। ओ माय गॉड, पता नहीं कैसा लुक होगा, बट बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको इस वीडियो में। एंड गाइस, जो मेकअप आर्टिस्ट होंगे, आई नो कि उनके पास उतना ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं होता है, इसलिए वो लोग ना अच्छे से मेकअप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि विलेज एरिया है, वहाँ पे ज्यादा कुछ मिलता भी नहीं है। तो मैं एक बहुत बड़ा सा मेकअप का हैम्पर लेके जाने वाली हूँ, जिसके अंदर बहुत सारा मेकअप है। इसको साइड में रखते हैं, इसको लेके जाएंगे एंड चलिए चलते हैं वर्स्ट मेकअप करवाने यार। बट जाने से पहले गाइस, अगर आपको ये वीडियो देख के इतना सा भी मजा आए ना, तो इस वीडियो को एक लाइक तो आप कर ही देना, क्योंकि मैं इतनी दूर जाऊंगी सिर्फ आपके लिए। एंड लाइक बिल्कुल मुफ्त 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 है, तो जल्दी से लाइक कर देना। टारगेट रखते हैं 1 लाख लाइक्स का, कर दोगे ना? लव यू गाइस। हर बार पूजा में जल्दी जल्दी रेडी होके निकलने के लिए मैं बिल्कुल सुबह सुबह नहा लेती हूँ, बट पूजा मतलब ही भीड़, और भीड़ मतलब ही पसीना, एंड स्वेटिंग से होता है बॉडी ओडर। फेस्टिव टाइम में ना एक अच्छा डिओड्रेंट यूज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। पूजा में हम लोग फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं, रिलेटिव्स के साथ मिलते हैं, बाहर घूमते हैं, एंड इसी वजह से होता है एक्सेसिव स्वेटिंग। इसीलिए अंडर आर्म्स में होता है एक इची एंड अनकंफर्टेबल फील। एंड आपको तो ऑलरेडी पता है कि मेरे साथ हमेशा रहता है मेरा मोस्ट ट्रस्टेड डिओड्रेंट रेक्सोना रोल ऑन, जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 डिओड्रेंट है। गाइस, बॉडी ओडर इज वेरी नेचुरल। ये इसीलिए होता है कि अंडर आर्म्स में जो बैक्टीरिया होता है वो स्वेट को फीड करके बॉडी ओडर को एक्सक्रीट करता है। रेक्सोना रोल ऑन बैक्टीरिया को स्वेट पे फीड करने से ब्लॉक कर देता है एंड बॉडी ओडर को भी रोक देता है। गाइस, मैं ना पहले टैल्कम पाउडर यूज करती थी, बट उसका इफेक्ट बस तुरंत चला जाता है और बॉडी ओडर लौट आता है। थैंक गॉड कि मुझे रेक्सोना शार्फिश रोल ऑन मिल गया है, जो कि मेरा अल्टीमेट सॉल्यूशन है। रेक्सोना रोल ऑन में मोशन एक्टिवेटेड टेक्नोलॉजी है, जब आप बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हैं या चलते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है एंड 48 आवर्स तक ये बॉडी ओडर को फाइट करता है। मुझे शावर फ्रेश रखता है और शावर लेने के बाद मैं रेक्सोना रोल ऑन डिओड्रेंट को मेरे अंडर आर्म्स में 4 से 6 टाइम्स स्वाइप करती हूँ। गाइस, इसके अंदर 0% अल्कोहल है एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड स्किन के लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, एंड इसलिए मैं इसको हर रोज यूज करती हूँ। यहाँ पे बैठ जाऊँ मैं? ठीक है दी, मुझे ना एक ऐश्वर्या वाला लुक करना है, ठीक है? देवदास में जैसा लुक था ना, वैसा लुक। एक बार मुझे दिखा दो। हाँ मैं दिखाती हूँ अभी। So, दीदी, अभी मेकअप करने से पहले मेरे मेकअप को रिमूव करने के लिए स्किन के ऊपर अच्छे से पोछा लगाएंगी गाइस, एंड इतना जोर से वो कर रही थी कि मेरे आँख जलने लग गए थे। आँख थोड़ा जल रहा है, बट फिर भी गाइस मैंने बोला, फिर भी दीदी पोछा लगाती जा रही है। मजा आया। ये फेयर एंड लवली लगा रहे हो? मैं गोरी दिखूंगी? हाँ। गाइस, ऐश्वर्या बनने के लिए तो गोरा दिखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो दीदी इतनी अच्छी से फेयर एंड लवली से मेरी स्किन को मसाज कर रही है ना, कि मैं सिर्फ आज के लिए नहीं, जन्मों जन्मों के लिए बिल्कुल गोरी बन जाऊंगी। कौन है ये लोग? एंड इसके बाद दीदी एक बहुत ही अच्छा सा फाउंडेशन लेके मेरी स्किन पे अप्लाई किया है ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा और मैच भी हुआ मेरी स्किन के साथ, मैं तो खुश हो गई। बट अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। एक्चुअली मेरा ना आज एक फोटो शूट है, मतलब मुझे बिल्कुल एकदम वो जो डोला रे डोला वाला गाना था ना, तो दुर्गा पूजा के टाइम में वैसा ही मैं शूट करना चाहती हूँ, तो इसीलिए
ये वाला लुक कर रही है। मैं नहीं मानता यार, यहाँ पे तो मैं बहुत खुश हो गई कि फाइनली मुझे मेरे फेस के मैच का फाउंडेशन मिला। बट 2 मिनट बाद ये क्या लगा रहे हो आप? ये कंसीलर है। अच्छा क्यों, मतलब क्यों इतना अच्छा फाउंडेशन दीने पूरा बिगाड़ दिया ये कंसीलर लगा के, वो भी पूरा का पूरा फेस में। आप देखो यार दी, पूरे फेस को सफेद बनाने में बिल्कुल ही लगी हुई है और मैं क्या ही बताऊं। खत्म। फिर से ये वाला अप्लाई करोगे आप? हाँ। अभी भी बस नहीं हुआ गाइस, अभी तक मैं ऐश्वर्या जैसी नहीं लग रही हूँ, तो इसीलिए फिर से वो चूना जैसी कंसीलर दी ने मेरे फेस पे एकदम अच्छे से लपेट दिया। पाउडर है ये? हाँ। इतना मेकअप मत करो, आवाम डर जाएगी। एंड फाइनली वो टाइम आ गया गाइस, अभी मेरे फेस में वॉशिंग पाउडर निर्मा लगा दिया गया है एंड मेरी फेस बिल्कुल दूध सी सफेद हो जाएगी क्योंकि निर्मा जो लगाया है। तो रहन दो फिर। है या नहीं बोलो, हाथ का कलर और फेस का कलर में डिफरेंस देख लो। थोड़ा ऐश्वर्या टाइप का ही लग रखिएगा। हाँ लुक। Yes guys, बिल्कुल ऐश्वर्या जैसी। ऐश्वर्या ने जैसे खून जैसे लाल रंग से आंखों को बिल्कुल लाल लाल कर दिया था, दीने भी वैसा ही किया है। बिल्कुल ऐश्वर्या जैसी लग रही हूँ मैं। मतलब oh my god, माशाल्लाह, नजर ना लग जाए मेरी आई मेकअप को, कितनी अच्छी लग रही हूँ। है या नहीं बोलो बोलो। दी मुझे ना ये वाला ज्यादा लग रहा है, ये थोड़ा कम लग रहा है ना? यार दी ने तो कम करने की जगह पे दूसरे वाले पे भी ज्यादा कर दिया। अभी ये ब्लैक कलर कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया? ऐश्वर्या ने क्या ब्लैक भी लगाया था क्या? आप स्मोकी टाइप का लुक कर रहे हो ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरी आंखों पे 2 मुक्के मारे हैं और मेरी आंख बिल्कुल काले पड़ गए हैं। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? दी अभी भी नहीं रुक रही है गाइस, दी ने नीचे भी लाल और काला दोनों ही कलर का आई शेडो लगा दिया। गाइस मैं ऑलरेडी ऐश्वर्या की चुड़ैल भूत लग रही हूँ, इसलिए दी ने आईब्राउज को तो और रावण जैसा बनाया नहीं। हाँ मेरा ना यहाँ पे बचपन पे बिल्कुल कट गया था। अच्छा। स्टिचेस भी लगे थे इसलिए वहाँ पे आता नहीं है ब्राउज। अभी दीदी मेरे फेस को कंटूर करने की कोशिश कर रही है। बहुत मनोज लग रहे हो, मत करो, रहने दो। पर ये कैसा कंटूर है भाई, मेरे फेस को देख के कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी ने बहुत अच्छे से धुलाई कर दिया है और मतलब क्या ही बताऊं, गड्ढे बना दिए मेरे फेस के अंदर। नहीं ये कैसा कंटूर है, ओह माय गॉड। एंड अचानक से दीदी को ऐसा लगा कि मेरे आईज पे कालापन थोड़ा कम लग रहा है, घूसा बहुत जोर से नहीं लगा इसलिए उन्होंने और काला बना दिया। मजा आया। ठीक क्या लगा रहे हो? ये और ब्राइट करेगा। हाय जी, हाँ हाँ, ब्राइट बनाओ मेरे फेस को और ज्यादा ब्राइट, क्यों ना ही लगा दो। मेकअप तो लड़कियों के लिए बनाया ना। आप इतना हंस क्यों रही? मैं बस पोज कर रही थी थोड़ा कैमरा में। ब्राइट लग रही हूँ मैं? ब्राइट क्या गाइस, मैं तो बिल्कुल दूध जैसे सफेद लग रही हूँ, ऐश्वर्या से भी ज्यादा ब्राइट। खूबसूरत लड़की लगनी चाहिए मॉर्निंग में। ये क्या लगा रहे हो, ब्लश? हाँ। यार अभी तक फिर भी ठीक था, बट ये मत करो मेरे साथ यार, ये तो मतलब कुछ ज्यादा ही हो गया यार, ये क्यों, क्या क्या है? अभी आईलाइनर लगा रहे हो? हाँ। अभी तो दीदी बहुत ही अच्छे से मुझे आईलाइनर लगा रही है गाइस, बट ये आईलाइनर लगाते लगाते पता नहीं दीदी के माथे पे कौन सी भूत सवार हो जाएंगी, उनको अभी मेरी आंखों के नीचे काजल की जगह लाइनर ही लगाना है, पता नहीं क्यों यार क्यों। तो रहन दो फिर। तो भी देखो वो मेरी आंखों के नीचे लाइनर लगा रही है और ये लो। आओ अंदर चला गया शायद। अरे बाप रे, अंदर चला गया है शायद थोड़ा सा। अब थोड़ा सा एक वेट वाइप दे दो ना। और यहाँ पे हो गया मेरी आंखों का सत्यानाश, मतलब वैसे भी मैं चुड़ैल लग रही थी और अब तो मुझे काले आंसू भी आने लग गए। ये भी ठीक है, कुछ नहीं होगा। नहीं थोड़ा सा जल रहा है ना आंख, इसीलिए अभी ठीक है। फिर भी कर दीजिए, ये वाला आंख बहुत ज्यादा जल रहा है। कोई बात नहीं गाइस, आंखों
अच्छा दिखाने के लिए थोड़ा सा दर्द झेलना पड़ता है, तो हमने भी झेल लिया। अभी फाइनली दी लाल लिपस्टिक लगा रही है। यहाँ पे थोड़ा लग गया है ना? कोई बात नहीं गाइस, दी के पास बहुत टैलेंट है, वो वेट वाइप से ही इसको और खराब कर देगी। सिंदूर पहना है आपको? हाँ पहना सकते हो आप। गाइस दी ने यहाँ से लिपस्टिक से ही मुझे सिंदूर पहना दिया। बिंदी भी लगा दो बहुत लोग है ना। हाँ हाँ हाँ। तो दी ने एक छोटा सा बिंदी लगा दिया एंड इसके ऊपर और एक छोटा सा। क्यों क्यों इतना मेकअप मत करो, आवाम डर जाएगी। हो गया, और कुछ लगाना है? हाँ, हाईलाइटर लगाना है। ठीक है, लगा। ये बात तो बोलना पड़ेगा गाइस कि दी ने हाईलाइटर काफी अच्छे से लगाया था, बिल्कुल भी ज्यादा भी नहीं लगा दिया एंड काफी ग्लोइंग लग रहा था स्किन दी का हाईलाइटर से लिए, बहुत अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। बस हो गया। ठीक है, ज्वेलरी पहना दोगे ना आप? मैं लाई हूँ ज्वेलरी। नहीं, एक सेकंड पहना दो। हो गया। तो यहाँ पे दी मुझे बहुत ही प्यार से ज्वेलरीज पहना रही है एंड ये ज्वेलरीज पहनने के बाद तो यार मैं और ज्यादा चुड़ैल लग रही हूँ। बनने गई थी ऐश्वर्या और बनके आ गई थी ऐश्वर्या की चुड़ैल। गाइस देखो कितनी डरावनी नहीं लग रही मैं? बहुत मनोज लग रहा हूँ, मत करो, रहने दो। और दी ने फिर से ना मेरे आईलाइनर को थोड़ा सा डार्कन अप कर दिया। हो गया सब कुछ, कुछ बाकी है? एंड दी ने मस्कारा भी लगा दिया। हो गया सब? अभी तक तो फिर भी ठीक था यार, बट ये बिंदी बड़ा करने के बाद ना मैं बिल्कुल बंजू निकाल लग रही हूँ। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ठीक है, हो गया। हाँ हाँ। थोड़ा सा हेयर स्टाइल कुछ नहीं करेंगी आप? थोड़ा सा मतलब एकदम नॉर्मल वाला कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, पर हेयर स्टाइल का मैं अलग चार्ज देती हूं। ओ अच्छा, ठीक है, आप बस नॉर्मली वाला कुछ कर दीजिए, कोई फैंसी वाला नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। सो गाइस आप टेंशन मत लीजिएगा, ये जो ऐश्वर्या वाला हेयर स्टाइल है ना, ये बनाने के लिए थोड़ा बालों को खींचना जरूरी होता है। सुंदर दिखने के लिए आपको थोड़ा सा दर्द सहना पड़ता है, तो यहाँ पे मैं वही दर्द सह रही हूँ। तो रहने दो फिर। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना लुक? हाँ हाँ, थोड़ा मतलब देवता स्ट्राइक का लग रहा है। हाँ हाँ, निकल चुके हैं, काफी दूर आ गए हैं। आप देख सकते हो पूरा का पूरा ये विलेज है, चार पास में आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखेगा। दिखाओ दिखाओ, दिखाया। तो गाइज अभी ऑलमोस्ट शाम भी हो चुका है एंड आप मेरा मेकअप तो देख ही सकते हो। मैं अभी अगर घर जाऊंगी ना, ऐसे कोई भी मुझे देख के डर जाएगा यार, मतलब मैं ना देवदास के पारों नहीं लग रही हूँ, मैं भूल भुलैया की चंद्रमुख नहीं चंद्रमुख नहीं मौंजुलिका लग रही हूँ गाइस, आमी मौंजुलिका। एंड अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्यों नहीं किया है भाई, जल्दी से सब्सक्राइब करो एंड इस वीडियो को लाइक तो करना ही पड़ेगा। और क्या क्या बोलूंगी यार, कुछ नहीं बोलना है, मैं खुद को देख के डर लग रहा है। चलो यार घर चलते हैं, नहीं तो कोई भी मुझे देख के डर जाएगा। तो चलो मैं ऐसे जाने वाली हूँ घर गाइस, मैं ऐसे जाने वाली हूँ लिटरली। सो गाइस अभी मैं आंटी को दिखाने वाली हूँ मेरा ये लुक। ठीक है, तो आंटी का घर है यहाँ पे, तो चलो दिखाते हैं। 3 2 1 कैसी लग रही हूँ आंटी? बहुत अच्छी लग रही हूँ। बहुत अच्छी लग रही हूँ? हाँ। बहुत सुंदर? हाँ। कौन है ये लुक? बिल्कुल ऐश्वर्या जैसे लग रही हो ना? हाँ। बिल्कुल ऐश्वर्या जैसी। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। सो गाइस आंटी ने भी बोल दिया कि मैं बिल्कुल ऐश्वर्या जैसी लग रही हूँ, वैसे मैं कभी लग भी नहीं सकती, वो मुझे भी पता है, बट ठीक है, मेरा दिल टूट गया आज बहुत ज्यादा बुरी तरह से।